सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। देखिए मुंबई टाइम्स की खास रिपोर्ट। रातों रात करोड़पति बना मछुआरा। पालघर में एक मछुआरे पर किस्मत कुछ इस तरह मेहरबान हुई कि वो एक झटके में ही करोड़पति बन गया। पालघर के चंद्रकांत तरे अपने सात साथियों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। जब इन लोगों ने समुद्र में जाल डाला तो सी गोल्ड कही जाने वाली दुर्लभ घोल मछलियां इसमें फंस गई। चंद्रकांत की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनके जाल में एक दो नहीं बल्कि पूरी 157 गोल मछलियां एक साथ फंस गई। ये मछलियां 1,33,00,000 रुपए में बिकी। मछलियों का ऑक्शन पालघर के मुरबे में हुआ। चंद्रकांत के बेटे सोमनाथ ने बताया कि उन्होंने हर मछली को करीब 85,000 रुपए में बेचा। सोमनाथ ने बताया कि वे लोगों के साथ हारबा देवी नाम की नाव से समुद्र में 20 से 25 नॉटिकल माइल अंदर वादवान की तरफ गए थे। इसी दौरान उनके पिता के समुद्र में फैलाए जाल में 157 घोल मछलियां फंस गई। इसके साथ ही नाव पर सवार लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई वाली ट्रिप बन गई थी। इन घोल मछलियों का इस्तेमाल दवाइयां और कॉस्मेटिक बनाने में होता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों में इसकी बहुत मांग है। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले धागे जो अपने आप गल जाते हैं वे भी इसी मछली से बनाए जाते हैं। समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने की वजह से अब ये मछलियां किनारे पर नहीं मिलती है। इन मछलियों की तलाश में मछुआरों को समुद्र के बहुत अंदर तक जाना होता है। सोमनाथ के मुताबिक इन मछलियों को यूपी और बिहार से आए व्यापारियों ने खरीदा है। देखिए मुंबई टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट को।